नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत 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 अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल अनबोरिंग लाइफस्टाइल में। हो चुकी है सुबह की शुरुआत और अभी बजे हैं सुबह के 7। तो हम उठ गए हैं, नहा लिए हैं और हो गए हैं रेडी भगवान की प्रेयर के लिए। आज सुबह जो मैंने सबसे पहले काम किया था, पहले झाड़ू लगाई और जो सेकंड इम्पोर्टेंट काम किया था वो था पौधों को पानी देना। क्योंकि भले ही अभी अप्रैल चल रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, जिसकी वजह से पौधों को नीड है सुबह शाम पानी देने की। तो मैंने जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था वो मेरा यही था कि मैं उठी और झाड़ू लगाने के बाद मैंने पौधों को पानी दिया। ये सब तो हो गया है, तो चलो कर लेते हैं भगवान जी के सामने थोड़ी सी प्रेयर। तो आप भी आ जाइए। तो पूजा के बाद मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि मुझे बनाना है नाश्ता। और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा, जिसके लिए मैंने पोहे को ले लिया है और इसे पहले थोड़ा सा भिगो कर रख देंगे। एक्चुअली भिगोना नहीं होता, इसको धुलना है और धुलकर इसका पानी निकाल कर रख देते हैं। और यहाँ मैं कट कर लेती हूँ कुछ टमाटर और हरी मिर्च, क्योंकि मैं पोहे में मूंगफली के दाने नहीं बस टमाटर डालकर बनाऊंगी। तो यहाँ पोहा भी अच्छे से फूल गया है, टमाटर कट गए हैं, तो लगाते हैं तड़का। तो ले लेते हैं कढ़ाई, उसमें थोड़ा सा तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें डालना है जीरा, एक लाल मिर्च, करी पत्ता और जो आपने बारीक हरी मिर्च काटी थी उसे डाल देना है। जब ये हो जाए तो आपको डालना है टमाटर और टमाटर को अच्छे से तेल में गला लेते हैं। जब ये अच्छे से गल जाएगा तो इसमें थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी मिर्च और डाल देंगे पोहा। अब पोहे को अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ी सी नमक, आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं अगर आप खाते हैं तो। बहुत सारे लोग पोहे में चीनी भी डालते हैं, तो अगर आपको अच्छी लगती तो आप पोहे में चीनी डाल सकते हैं, फिलहाल मैंने स्किप कर दी है। तो यहाँ बन रहा है मेरा पोहा। दूसरी तरफ मैं बना लेती हूँ चाय और मैं बना रही हूँ बनाना शेक, क्योंकि मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते तो उनके लिए मैं बना रही हूँ बनाना शेक। बाकी चाय मैं अपने और मम्मी जी के लिए बनाऊँगी। तो रेडी है गर्मा गर्म चाय और पोहा। तो यहाँ नाश्ता हो गया है, मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। मुझे धुलने हैं कुछ कपड़े, क्योंकि कल था बृहस्पति बार और बृहस्पति बार में हमारे यहाँ कपड़े नहीं धुलते। तो आपके यहाँ भी ऐसा होता है क्या? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। तो यहाँ मेरे पास कुछ कल के कपड़े थे, कुछ
आज के तो मैं बस वही धुल रही हूँ। और अभी टाइम है आफ्टरनून का, तो हमारा लंच हो चुका है और लंच में मैंने बनाए थे दाल चावल और रोटियां। तो अभी हम कर रहे हैं कुछ टाइम पास और हम यहाँ देख रहे हैं मूवी। ये तुम्हारी दो चीज लेके आया है, एक चीज ये एक चीज ये, दोनों में से कौन का होगा? एक चीज है तो दोनों मेरी ही। मैं जाता हूँ। नहीं नहीं रुको रुको, आइसक्रीम मम्मी मम्मी, मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ लाया हूँ खाने की, इन दोनों में से एक उठाओ। क्या चाहिए? ये तो गाइस, मम्मी खाएंगी आइसक्रीम। आप देख चुके हैं मम्मी को मिलेगी आइसक्रीम, मम्मी को मिलता है यहाँ चॉकलेट आइसक्रीम, ये लो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारी सी कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।